स्वागत तो है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI टी आई मैकेनिकल ग्रु में और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में जो हमारे चैप्टर हो चुके हैं उसके जो इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन हैं उसकी जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में और साथ ही इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगभग सभी एग्जामों में पूछे गए हैं और सभी एग्जामों में आते हैं तो आइए बात कर लेते हैं उन क्वेश्चन के बारे में तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्यक्ति की सुरक्षा कौन सी है तो यहाँ पे जो व्यक्ति लिखा हुआ है यहाँ पे व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है तो इस जो क्वेश्चन है हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है तो इसमें सबसे पहले हमारा जो आंसर है वो है अपने काम पर ध्यान दो यानी आपका अपना जो काम है उस पर ध्यान होगा तो आपकी जो सुरक्षा है वो बनी रहेगी दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है लकड़ी की आग कागज की आग और कपड़े की आग किस क्लास में आती है तो जो हमारी लकड़ी की आग कागज़ की आग और कपड़े की आग होती है वो किस क्लास के अंतर्गत आती है तो ये हम आपको चैप्टर में बता चुके हैं ये हमारी जो आग है ए क्लास में आती है इसे हम ए क्लास की आग कहते हैं इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोकें तो इसका जो आंसर है वो घाव पर दबाव दें इसे भी हम बता चुके हैं कि अगर किसी व्यक्ति को रक्त बह रहा है खून बह रहा है तो वो उसे दबाव लगाकर या दबाकर उसे रोक सकता है ahead, इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है तो so, कार्यस्थल पर जो दुर्घटना होती है उससे बचने के लिए हमें हमारा जो सी नंबर पर ऑप्शन है सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए तो अगर हम सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे तो हमारी सुरक्षा हो सकती है इसके बाद जो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है तो आपको यहाँ पर तीसरा नंबर का जो विकल्प है सी नंबर विकल्प है हमारा कापर सल्फेट तो ये जो है जहरीला होता है इसके बाद छठवें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है राउंडवार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए कैलीपर का उपयोग किया जाता है यानी जो हमारा राउंड वार होता है उसका जो केंद्र ज्ञात करने के लिए हमें किस कैलीपर्स का उपयोग करना चाहिए तो इसका जो हमारा उत्तर है वो जैनिक एलिपर्स होता है जैनिक एलिपर्स के, के द्वारा जो है हम केंद्र को ज्ञात कर सकते हैं इसके बाद हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ हमारा सातवें नंबर का क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्ह भाग का नाम बताइए तो आप यहाँ चित्र देख रहे होंगे ये चित्र है यहाँ पे जो है एक्स बताया गया है ये एक्स है एक्स भाग है इसको हम क्या कहते हैं तो इसका जो आंसर है वो डी है फालिम इसका जो उत्तर है वो सही उत्तर है इसके बाद हमारा डी जो हमारा डी इसका सही आंसर है इसके बाद आठ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है बड़े वृत्तों की लेआउट के लिए किस टूल का प्रयोग करना चाहिए यानी जो हमारे बड़े बड़े व्रत होते हैं उनकी जो लेआउट है या मार्किंग करने के लिए हमें किस टूल्स का प्रयोग करना चाहिए तो ये हमारा जो है ट्रैमल सी सी हमारा राइट right आंसर है ट्रैमल से जो है हम बड़े व्रत या बड़े चाप लगाते हैं अब हम बात करते हैं हमारे नौवे प्रश्न की तो आप देख सकते हैं नौवे प्रश्न पर भी ब्लाक पर एक ग्रुप होता है इसका कोण होता है तो भी ब्लाक पर जो है आपने देखा होगा आपको जो हमने चैप्टर बताए हैं उसमें भी ब्लॉक का जो चैप्टर है उसमें आप देख सकते हैं उसमें भी ग्रुप कटा होता है उसमें जो है इसका जो कोण है वो नब्बे डिग्री रखा जाता है इसके बाद दसवा क्वेश्चन है सेंटर पंच के पॉइंट का कोण होता है तो सेंटर पंच का जो हमारा कोण होता है वो नब्बे डिग्री रखा जाता है तो नब्बे डिग्री यानी इसमें सी जो है आपका राइट आंसर है नब्बे डिग्री इसका कोण होता है इसके बाद हम बात करते हैं ग्यारहवीं नंबर क्वेश्चन की तो स्क्राइवर की धातु होती है यानी स्क्राइवर आपका जो है किस धातु का बना होता है तो स्क्राइवर जो है आपका जो हा, हाई कार्बन स्टील का बना होता है तो इसका जो आंसर है वो बी है हाई कार्बन स्टील का जो है आपका स्क्राइबर बना होता है अब बारहवीं नंबर का जो क्वेश्चन है इसे हम देख लेते हैं भी ब्लॉक किस ग्रेड में पाए जाते हैं तो जो हमारे भी ब्लॉक होते हैं वो किस ग्रेड में पाए जाते हैं तो वो इसका जो आंसर है वो है डी ए और बी ग्रेड में जो है भी बी ब्लॉक पाए जाते हैं इसका जो है आप इसको इनके जो सबके जो चैप्टर है वो हम पहले प्रोवाइड करा चुके हैं तो आप वहाँ जाकर इन्हें देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं फिर भी अगर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करें कमेंट के माध्यम से हम आपकी हेल्प करेंगे इसके बाद हमारा जो तेरह नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट्स कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट्स नहीं होता यानी आपने कॉम्बिनेशन सेट देखा होगा तो इसमें जो है चार नाम दिए गए हैं स्टॉक प्रोटेक्टर हेड सेंटर हेड और स्क्वायर हेड इसमें से आपको बताना है कौन सा पार्ट नहीं होता है तो आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड होता है सेंटर हेड होता है और स्क्वायर हेड होता है लेकिन जो स्टॉक है स्टॉक उसमें नहीं होता है तो इसका जो आंसर है वो स्टॉक होगा यानी ए होगा इसके बाद हमारा चौदह नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डिवाइडर केस लिए प्रयोग किया जाता है तो डिवाइडर का प्रयोग आपने जो चैप्टर में देखा होगा डिवाइडर भी डिवाइडर का जो चित्र है वो भी आपने देखा होगा तो डिवाइडर का जो है हम प्रयोग क्यों करते हैं तो इसका जो है व्रत खींचने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं और चापों को खींचने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं और दूरियों को ट्रांसफर करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा जो इसका आंसर है वो है डी उपयुक्त सभी इसमें सभी आंसर होगा यानी डिवाइडर से हम व्रत भी खींचते हैं चापों को भी लगाते हैं और दूरी को भी ट्रांसफर कर ट्रांसफ़र कर करते हैं इसके बाद हमारा पंद्रह नंबर का जो क्वेश्चन है वो है यूनिवर्सल सरफेस गेज में कौन सा पार्ट्स डेटम एज के साथ साथ समांतर लाइनें खींचने में सहायक होता है तो हमारा जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उसमें जो डेटम लाइन डेटम एज के साथ साथ समांतर लाइनें खींचने के लिए हम जो है गाइड स्पिन का यूज करते हैं आपने चित्र में देखा होगा जो हमने चैप्टर बताया था उसमें दो गाइड्स पेन लगे होते हैं उनका यूज़ हम समांतर लाइनों को खींचने के लिए करते हैं मैंने जो है उस वीडियो में आ, सबसे महत्वपूर्ण जो है इस चीज को बताया था दो बार बताया था आप देख सकते हैं जाके इसके बाद जो हमारा सोलह नंबर का क्वेश्चन है वो है एंगल प्लेट का सॉरी एंगल प्लेट पर निम्नलिखित में से किस लिए स्लॉट बनाए जाते हैं यानी एंगल प्लेट जो होता है उसमें किस लिए स्लॉट बनाए जाते हैं तो इसका जो आंसर है वो है ए बोल्टों को स्थान देने के लिए यानी हम बोल्ट उसमें कसते हैं तो इसका जो आंसर होता है बोल्टों को स्थान देने के लिए इसके बाद जो हमारा सत्रह नंबर का क्वेश्चन है वो है यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का कार्य क्या है यानी यूनिवर्सल जो हमारा मार्किंग ब्लॉक होता है उसका क्या कार्य होता है तो यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का जो कार्य है वो गोल राड को केंद्र जानने के लिए हम करते हैं तो इसका जो हमारा आंसर है वो बी है हम गोल राड का जो केंद्र है इससे ज्ञात करते हैं यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक आपने देखा होगा चैप्टर में हमने बता चुके हैं इसका जो है प्रयोग हम गोल राड का केंद्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं इसके बाद जो है अठारह नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है सरफेस प्लेट का मटेरियल होता है यानी जो सरफेस प्लेट है वो किस मटेरियल का बना होता है तो जो सरफेस प्लेट है वो महीन कणों वाला ढलवा स्टील का बना होता है इसमें जो ए, महीन कणों वाले जो ढलवा स्टील होता है उसका हम इसमें प्रयोग करते हैं तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बी महीन कणों वाला ढलवा स्टील अब हम चलते हैं उन्नीसवें नंबर क्वेश्चन की ओर तो हमारा उन्नीस नंबर का जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं बी ग्रेड के बी ब्लॉक का मटेरियल होता है यानी जो हमारे बी ग्रेट के बी ब्लॉक बने होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं तो इसका जो राइट right आंसर है वो दानेदार ढलवा लोहा है यानी जो दानेदार ढलवा लोहा हो होता है उससे जो है बी ग्रेड के वी ब्लॉक बने होते हैं और इस, इन सब का जो है अलग अलग चैप्टर हम दे चुके हैं और आप अलग अलग जाकर देख सकते हैं पूरी थ्योरी उसमें बताई गई है और आप अगर वो चैप्टर देख लेते हैं तो आपको और कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी तो बहुत बारीक तरीके से हमने तीन चार चार किताबों से वो मटेरियल इकट्ठा किया है और आपको बताने के लिए बताने के लिए आपको प्रयास किया है इसके बाद हमारा जो बीस नंबर का क्वेश्चन है वो है प्रकपंच का कोण होता है तो इसका भी हम देख लेते हैं प्रेक्पंच का जो कोण होता है वो तीस डिग्री का होता है तो इसका जो राइट right आंसर है वो है सी तो सी यानी तीस डिग्री प्रेक पंच का जो कोण होता है इसके बाद हम इक्कीस नंबर का जो क्वेश्चन है देख लेते हैं स्टील रूल की धातु कौन सी होती है यानी स्टील रूल जो है किस धातु से बनाए जाते हैं तो हमारे जो स्टील रूल है वो स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील यानी सी हमारा सही आंसर है स्टेनलेस स्टील से हम स्टील रूल बनाते हैं या बने हुए होते हैं इसके बाद जो हमारा बाईस नंबर का क्वेश्चन है वो है ट्राई स्क्वायर यानी गुनिया जिसे हम गुनिया कहते हैं ट्राई स्क्वेयर के ब्लेड के नीचे अंडरकट रखा जाता है क्योंकि इसमें जो इसका राइट आंसर है वो आपको थ्योरी में बताया होगा ट्राई स्क्वेयर के गुनिया और ब्लेड यानी ट्राई स्क्वेयर का जो ब्लेड होता है उसके बीच में हम अंडरकट रखा जाता है एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको जो जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे ज्यादा हंड्रेड परसेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो आपको जो इसका उत्तर है वो है जाप पर कार्नर को स्थान देने के लिए जाप पर कॉर्नर को स्थान देने के लिए हम ब्लेड के नीचे जो है अंडरकट रखा जाता है तो एक क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखना होगा सभी क्वेश्चनों जो सभी जो हमारे एग्जाम होते हैं उनमें सभी में पूछा जाता है इसके बाद है कैलीपर निम्न में से किस धातु के बने होते हैं तो जो हमारे कैलीपर होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं तो आइए हम देख लेते हैं इसका जो आंसर है वो है कार्बन स्टील तो इसका जो आंसर राइट आंसर है वो है सी कार्बन स्टील के जो है कैलिपर्स बने होते हैं इसके बाद हमारा जो है चौबीस नंबर का क्वेश्चन है जैनी कैलिपर्स को हम कहते हैं यानी जैनीपल को जैनी कैलिपर को कहते हैं तो जैनी कैलिपर के जो है मैं बता चुका हूं आपको पहले जैनी कैलिपर के तीन नाम और भी हैं तो वो नाम आपको याद रखना है इसमें आपको पहला नाम दिया गया है ट्रांसफर कैलिपर मार्किंग कैलीपर हरमा प्रोडाइट कैलीपर और उपयुक्त में से सभी तो यहाँ पे जो है हमारा सी राइट आंसर होगा यानी हरमा प्रोडाइट कैलिपर्स को हम कैलिपर्स कहते हैं इसके तीन नाम और होते हैं तो आप इसे चैप्टर में जाकर पढ़ें और इसके बाद जो है हमारा पच्चीस नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग बहुत कम लोग इस पर इसको ध्यान देते हैं और लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो हमारा ट्राई स्क्वायर है यानी गुनिया की परिशुद्धता कितनी होती है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए जीरो पॉइंट जीरो परिशुद्धता अब हमारा छब्बीस नंबर का जो क्वेश्चन है वो है श्रृंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है यानी जो हमारा श्रृंक रूल होता है वो वास्तविक इंच से बड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है इसका जो आंसर है बी है एक बटे सोलह से तीन बटे सोलह प्रति फुट जो इसका एक बटे सोलह इंच से तीन बटे सोलह इंच प्रति फुट जो है इसका इंच वास्तविक रूप से बड़ा होता है इसके बाद हम सत्ताईस नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं सत्ताईस नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ डॉट पंच का कोण होता है तो आपका जो है डॉट पंच का कोण होता है वो साठ डिग्री होता है और जो पंच के कोण होते हैं सेंट्रल पंच डॉट पंच और प्रेक पंच तो इनके जो कोण हैं नब्बे साठ तीस तो ये इंपोर्टेंट बात है इन्हें याद रखने की इंपोर्टेंट बात है इनमें से तीनों पंचों में से आपको एक पंच के लिए कोण पूछ लिया जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इसमें जो है डॉट पंच का जो कोण होता है वो साठ डिग्री रखा जाता है अब हम बात कर लेते हैं अट्ठाईसवीं नंबर क्वेश्चन की तो कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड द्वारा किसी कोण की माप ली जाती है यानी कॉम्बिनेशन सेट का जो हेड द्वारा किस कोण की माप ली जाती है तो कॉम्बिनेशन सेट तो के जो है तीन उसमें जो है स्क्वायर हेड प्रोटेक्टर हेड सेंटर हेड लगे होते हैं तो उसमें से जो है किस हेड द्वारा कोण की माप ली जाती है तो इसका जो आंसर है वो है बी प्रोटेक्टर हेड प्रोटेक्टर हेड से जो है हम कोण की माप लेते हैं और इसके बाद जो हम उनतीसवें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं तो उनतीसवें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कार्बनिक आग से बचाव का साधन निम्न में से कौन सा है यानी जो हमारी कार्बनिक आग होती है उससे बचाव के लिए निम्न में से कौन सा साधन है तो इसमें हम जो है पानी का यूज करते हैं पानी से जो है इस आग को बचाते हैं यानी पानी से इस आग को हम बुझाते हैं इसके बाद जो हमारा तीसवा क्वेश्चन है वो है अग्निशामक यंत्रों की आकृति कैसी होती है तो हमारे जो अग्निशामक यंत्र होते हैं आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा अग्निशामक यंत्र जो होते हैं वो किस आकृति के होते हैं तो इनका जो आकार होता है वो शंक्वाकार आकार आकार होता है एक इसका जो विकल्प है वो सही है आंसर सही है तो हमारे जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनकी आकृति आकार होती है तो दोस्तों ये तो हमारे जो है इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो तीस क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी टाइप से हर चैप्टर के आपको तीस क्वेश्चन हम जो है चार से पाँच बुक्स और हर एग्जाम से छॉँट कर लाते हैं और आगे अब लाते रहेंगे तो आप हमारे वीडियो से जो है बहुत सी जानकारी ले सकते हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की रेलवे डी आर डी ओ एल पी बी एच ई एल कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जो पी डी एफ के माध्यम से तीस क्वेश्चन हैं ये अवश्य पढ़ें इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी तो अभी तक आपने जो है हमारे चैप्टर वाइज जो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे वीडियो के नीचे जो लिंक है आइकॉन बटन है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद